उस स्थिति का अनुभव करेंगे और चलेंगे चार धाम अपने प्यारे घर मधुबन में। देखे अपने को बाबा के कमरे में, एक ही संकल्प लाए, एक अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है ये चेक करेंगे। अब चलेंगे बाबा की कुटिया में, देखें अपने आप को बाबा के सामने, और एक ही संकल्प, संपूर्णता में व सर्व संबंध में समीपता कितनी आई है, संपूर्णता में व सर्व संबंध में समीपता कितनी आई है। अब चले शांति स्तंभ पर, चेक करें अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक हमारे अंदर आई है, अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है चेक करें। संतुष्टता को चेक करते हुए अब चलेंगे हिस्ट्री हाल में, एक ही संकल्प, अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है चेक करें, अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है।
अब चलेंगे बीज रूप स्थिति में परम धाम में, आवाज से परे बाबा के सम्मुख बैठ जाएं और बिल्कुल व्यवस्थित अनुभव करें आवाज से परे, कोई संकल्प निर्संकल्प, सिर्फ मैं और बाबा, बाबा और मैं। अब आवाज से परे का अनुभव करते हुए आ जाए सूक्ष्म वतन में, बैठ जाए बाप दादा के सामने, वो स्थिति का अनुभव करें, इसी स्थिति में रहते हो। अब हम आज की मूली सुनेंगे, इसी स्थिति में स्थित रहेंगे। आज की मूली 18 जनवरी 1971 की, 18 जनवरी 1971 की मूली का टाइटल है अवस्थिति द्वारा सेवा। इस मूली में जैसे कि मूली का टाइटल है वस्तुस्थिति द्वारा सेवा, तो वस्तुस्थिति द्वारा सेवा का महत्व बाबा ने बताया कि आवाज से परे स्थिति में रहकर इस सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे, उक्त स्थिति का होने में अवक्त आत्माओं को भी, अवक्त आत्माओं को भी, अन्य आत्माओं को भी उक्त स्थिति का अनुभव करा सकेंगे एक सेकेंड में। अगर एक सेकेंड में अनुभव कराया तो प्रत्यक्ष स्वरूप हमारे सामने दिखाई देगा। बाबा ने कहा आवाज में आने से वह आवाज नहीं लगेगा, बल्कि आवाज सुनते हुए भी आपकी वस्तुस्थिति का अनुभव होने लगेगा। इसमें बाबा ने कहा हमारी आवाज से परिस्थिति दूसरों को भी आवाज से परे ले जाने का साधन बनेगी। फिर दोबारा इसमें बाबा ने कहा एक सेकंड में वस्तुस्थिति का अनुभव आत्माओं को अविनाशी संबंध से जोड़ सकता है।
जो माया भी नवी आत्मा को हिला नहीं सकती। फिर बाबा ने आगे कहा, इसमें वक्त स्थिति की अनुभवी आत्मा अवगमन से दूर हो जाती है। ऐसी आत्माओं के ऊपर माया किसी रूप में प्रभाव नहीं हो, माया का किसी रूप में प्रभाव हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा, अपने को कंबाइंड समझ, कंबाइंड रूप में सर्विस करने को कहा। उसमें भी वारिस कौन बनता है और प्रजा कौन बनती है, बाबा ने यह भी बताया। हमारी वक्त स्थिति द्वारा हम कैसे दूसरों को संबंध या संपर्क में ला सकते हैं, ये भी बाबा ने बताया। तीन प्रकार की याद बाबा ने वतन में अनुभव की, वियोगी, योगी और स्नेही। वियोगी, योगी और स्नेही। फिर बाबा ने वर्ष की रिजल्ट निकालने के लिए कहा, उसमें चार प्रकार की बातें चेक करने के लिए कही। एक, अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है। नंबर दो, संपूर्णता में व सर्व संबंध में समीपता कितनी आई है। नंबर तीन, अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है। नंबर चार, अपने में सूरवीरता कहाँ तक आई है। आगे बाबा ने कहा, ये आज की मुरली जो 18 जनवरी की है। बाबा ने कहा, स्नेह और शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस बताया इसको, मुरली को आज का 18 जनवरी को स्नेह और शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस बताया। बाबा ने कहा, वरदान को पुरुषार्थ से नहीं, स्नेह से वरदान लें, ये बाबा की आशा है। और लास्ट में बाबा ने कहा, एक बाप के सिवाय कोई और की याद आकर्षित न करे। अब मुरली सुनते हैं डिटेल से बाबा के मुख द्वारा, बाबा के महावाक्य। आज वार से परे हो जाने का दिन रखा हुआ है, तो बाप दादी आवाज में कैसे आई। आवाज में रहने का आवाज बहुत आवश्यक है, आवाज में रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज से आकर आत्माओं को सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परिस्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अपनी वक्त स्थिति अन्य आत्माओं को अवस्थ स्थिति का एक सेकंड में अनुभव कराया तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप आपके सम्मुख दिखाई देगा। आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर फिर आवाज में आने का आवाज नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज में वक्त वाइब्रेशन का प्रभाव किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा, किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। वह आवाज सुनाते हुए उनको अपनी वक्त स्थिति का अनुभव होने का लगेगा। जैसे इस सरकार सृष्टि में छोटे बच्चे को लोरी देते हैं ना, वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। ऐसे ही वक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ तो आवाज से परिस्थिति का अनुभव करा सकते हो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, एक सेकंड की वक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध से जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। बाबा ने आगे कहा, सिर्फ आवाज द्वारा अवस्थिति द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज से सुनने से आवागमन में नहीं आ सकती, लेकिन अवस्थिति में स्थिति द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती है। ऐसी आत्मा के ऊपर किसी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता, बाबा ने कहा। सदैव अपने को अपने सेवक के लिए आगे, सदैव अपने को कंबाइंड समझ, कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अवक स्थिति और फिर आवाज, अर्थात अवक स्थिति फिर आवाज, अवक स्थिति में स्थित होकर बाबन का सेवा करो, दोनों की कंबाइंड, बाबदा के साथ कंबाइंड, बाबन का दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। फिर आवाज द्वारा सर्विस करने से प्रजा भी बनती जा रही है, बाबा ने कहा। तो अब सर्विस में नवीनता लाओ, बाबा ने कहा, आवाज द्वारा सर्विस करते प्रजा बनती जा रही है, अब तो आवाज द्वारा सर्विस में नवीनता लाओ। इस प्रकार की सर्विस का साधन कौन सा है, बाबा ने कहा।
जिस समय सर्विस करते हो उस समय मंथन चलता है, लेकिन याद में मगन, यह स्टेज मंथन का स्टेज कम होती है, दूसरों की तरफ ध्यान अधिक रहता है, अपनी वत स्थिति की तरफ ध्यान कम रहता है। इस कारण ज्ञान में विस्तार का प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा इस कारण ज्ञान में प्रभाव का विस्तार पड़ता है, लेकिन लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। रिजल्ट में यह कहते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है। प्यारे बाबा ने कहा रिजल्ट में यह कहते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन मगन रहना है, यह हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि वक्त स्थिति द्वारा लगन अर्थात संबंध जोड़ने का अनुभव नहीं किया है, बाकी थोड़ा सा कणा दाना लेने से प्रजा बन जाती है। अब के संबंध जुटने से भविष्य में संबंध में आएंगे। बाबा कह रहे हैं अब के संबंध जुटने से भविष्य के संबंध में आएंगे, नहीं तो प्रजा में तो नवीनता लानी है। जो एक सेकंड में व्यक्ति स्थिति द्वारा संबंध को जोड़ना है, संबंध और संपर्क दोनों में फर्क है। बाबा ने आज बताया संबंध और संपर्क दोनों में फर्क है, संपर्क में आते हैं संबंध में नहीं आते, समझा? आज के दिन वक्त स्थिति का अनुभव किया है, ये अनुभव सदा काल कायम रखते रहो, यही अनुभव सदा काल कायम रखते रहो और औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। आजकल वाणी व अन्य साधन अनेक प्रकार के अनेकों द्वारा आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कोई नहीं कर सकते, न करा सकते हैं। बाबा ने कहा लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य और अन्य कोई भी नहीं कर सकते, न करा सकते हैं, इसलिए आज के समय यह अनुभव कराने की आवश्यकता है। सबके अंदर अभिलाषा भी है, बाबा ने सभी के अंदर अभिलाषा भी है, थोड़े समय में अनुभव करने के इच्छुक हैं, सुनने के इच्छुक नहीं है। अनुभव में स्थित रहे, अनुभव कराओ सभी को। स्नेह वतन में मिला, सुनाया था ना तीन प्रकार का, याद और स्नेह वतन में पहुंची। बाबा कह रहे हैं सुनाया था ना तीन प्रकार की, याद और स्नेह वतन में पहुंची, वियोगी योगी और स्नेही, वियोगी योगी और स्नेही, तीनों ही रूप का याद प्यार बाप दादा को मिला। रिवाइज कोर्स के वर्ष भी समाप्त होते जा रहे हैं। बाबा ने कहा रिवाइज कोर्स के वर्ष भी समाप्त हो जा रहे हैं, जो हमारा रिवाइज कोर्स चल रहा है। वर्ष समाप्त होने से स्टूडेंट को अपनी रिजल्ट निकालनी होती है, तो इस वर्ष रिजल्ट में हरेक अपनी कौन सी रिजल्ट निकालनी है, बाबा ने कहा तो इस वर्ष रिजल्ट में हरेक को अपनी कौन सी रिजल्ट निकालनी है, इसकी मुख्य चार बातें ध्यान में रखनी है। एक तो अपने सर्वकार की श्रेष्ठता कितनी है, एक तो अपने में सर्वता की श्रेष्ठता कितनी है, दूसरा संपूर्णता में वह सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है, तीसरा अपने में दूसरे संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है, और चौथा बाबा ने बताया अपने में सूर्यता कहाँ तक आई है। बाबा ने कहा ये चार बातें चेक करनी है सभी को, आज के दिन अपने रिजल्ट को चेक करने का कर्तव्य पहले करना है, बाबा ने कहा। बाबा ने आगे कहा आज का दिवस या स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस समर्थि बढ़ने का दिवस मनाना, आज का दिवस स्थिति का स्टेज ट्रांसफर करने का दिवस समझो, स्थिति का स्टेज ट्रांसफर करने का दिवस समझो। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीजें अच्छी लगती है ना, वैसे अपने को ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफर करना है। आज के दिन का महत्व समझो, ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट चमके, स्पष्ट सभी को दिखाई दे, आपका आत्मस्वरूप उन्हों को अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको कहते हैं व्यक्ति स्थिति, वह आत्मस्थिति का अनुभव कराना, इसको कहते हैं व्यक्ति स्थिति वह आत्मस्थिति का अनुभव कराना। आज याद की यात्रा रिजल्ट क्या थी, स्नेह स्वरूप थी, बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप थी, वह स्नेह भी शक्ति का भी वरदान प्राप्त कराता है, तो आज स्नेह का वरदान प्राप्त करने का दिवस है, एक होती है प्रसाद से प्राप्ति, बाबा ने कहा दूसरी होती है वरदान से प्राप्ति,
तो आज का दिन पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त करने का नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। आज के दिन को विशेष भवन का वरदान का दिन समझना। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से प्राप्त हो सकता है, समझा, पुरुषार्थ द्वारा नहीं लेकिन स्नेह द्वारा। इसने कितना वरदान लिया है वह हर एक के ऊपर है, लेकिन स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। स्नेह द्वारा वरदान के दिवस को जितना समझ सकें उतना ही पा सकता है। कैच करने वाले की कमाल होती है, बाबा ने कहा कैच करने वाले की कमाल होती है। आज के वरदान दिवस पर जो भी जितना कैच कर सकेंगे उतना ही वरदान प्राप्त किया। सॉरी, जैसे प्रसाद करते हो एक बाप के सिवाय कोई और की याद कसित न करे, ऐसे आज का दिन सहज याद का अनुभव किया? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया निमित्त बनाने के लिए, सभी आत्माओं का, परिवार का, सभी का शुक्रिया बहुत बहुत। ओम शांति। अभी एक मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में ब्रेकआउट रूम में डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शेरू भाई जी, आप यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है भाई जी। ओम शांति। अभी हम आज की मूल का चिंतन कर सकते हैं। प्यारे बाबा ने क्या कहा, सभी अपने मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। हाँ जी दीदी जी, बोलिए। अर्चना शर्मा जी जी भाई जी, ओम शांति। बापा ने आज कहा, जो आत्मा आपके अंदर है वह सदा चमके। माना चमक ऐसे नहीं नजर आएगी जैसे हमें फूलता में किसी को चमक नजर आएगी। चमक माना हमारे द्वारा हमारे कर्म जो प्रत्यक्ष नजर आते हैं सबको, उससे हमारे गुण प्रकट हो सबको। तो यानी कि हमारी स्थिति से सबको पवित्रता, सुख, शांति, सहयोग की भावना नजर आए, तो यही हमारी आत्मा की चमक होगी। ओम शांति। ट्रांसपेरेंट आपकी आत्मा चमके आर पार। चमकने का मतलब यही भाई जी कि हमारे गुण प्रत्यक्ष हो लोगों को, हमारे द्वारा लोगों को शांति का अनुभव हो, है ना, सहयोग की भावना अनुभव हो, यही जी। बाबा के सातों गुण भी चमके हमारे। बहुत अच्छा दी जी, बहुत सुंदर बताया आपने। और क्या कहा प्यारे बाबा, और भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए भाई। बाबा ने बताया अमावस्य परिस्थिति में स्थित रहकर फिर आवाज में आने से वो आवाज आवाज नहीं रहेगा, लेकिन उस आवाज में अव्यक्त वाइब्रेशंस का प्रवाह बाकी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको बाप की तरह आकर्षित करेगा। वो आवाज सुनते हुए वो लोगों को भी अपने खुद का अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। सो तात्पर्य है कि कोई भी काम करते समय पहले थोड़ा देर अव्यक्त स्थिति में जाके
फिर व्यक्ति में आके बात करने से, बात भी बाप जैसा बता कि बात करते समय धीरे बोलने का है, प्यार से बोलने का है, मीठा बोलने का, कम बोलने का, वो भी आएगा और बात में अव्यक्त का वाइब्रेशन आएगा, सो दैट बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ओम शांति। जी भाई, व्यवस्थित में आके भी कान में बात करें उनको व्यवस्थित का अनुभव होगा। बहुत ही अच्छा भाई जी, बहुत अच्छा शेयर किया आपने। और क्या कहा भाई बाबा ने, और भी सभी के शेयर कर सकते हैं। बाबा ने आज का एक अपने में सर्व का श्रेष्ठता कितनी है ये चेक करनी है, हम श्रेष्ठता कैसे चेक कर सकते हैं इसके ऊपर भी चिंतन शेयर कर सकते हैं सभी। हम अपने में श्रेष्ठता कैसे ला सकते हैं, कितनी आई श्रेष्ठता इसके ऊपर जिसका मन चिंतन चलाओ सुना सकते हैं अपना। कोई बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? सोनिया दीदी जी आप बोल सकते हो, एक अपने में सर्व का श्रेष्ठता कहाँ तक आई है, बाबा ने कहाँ चेक करने के लिए? एक चीज बाबा ने बताया और ये बाबा के मधुवन में चार धाम में बाबा के शक्ति स्तंभ के पास भी शक्ति की तरफ लेकर आते हैं, श्रीमत में रहने से हम श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे। सो जैसा आप श्रीमत को फॉलो करते रहेंगे तो श्रेष्ठता अपने आप हम में आ जाएगी। ओम शांति। जी, बाबा के फर्स्ट स्टेप पर चलते रहेंगे ना, फॉलो करते रहेंगे तो श्रेष्ठता आ ही जाएगी। बिल्कुल, श्रीमत पर चलेंगे। बाबा ने चार बातें बताई है, अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है, संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समयता कितनी, अपने व दूसरों के संबंध में संतुष्टता और अपने में शुद्धता। ये चार बातें हम अपने आप में जब चेक करेंगे जी, तो जी, 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 हाँ, और अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई ये भी बताया बाबा ने। ओम शांति भाई जी। शूरवीरता यानी ये ना क्या बोलते हैं, निर्भयता। हाँ जी, हाँ जी, है ना। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए शैलेंद्र जी, बोल सकते हो आप। हाँ जी भाई जी, आज की मुरली बहुत 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 प्यारी मुरली है। हाँ जी, मुरली छोटी है लेकिन सार इतना इसमें समाया हुआ है ना, बहुत गहरी मुरली है। कि बाबा ने बोला कि हमारी अव्यक्त स्थिति दूसरे की स्थिति को अव्यक्त बना सकती है। कि जब हम किसी को ज्ञान भी समझाते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे अंदर की साइलेंस होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना देह भान में आकर उसको समझाते हैं तो दूसरे का ध्यान भी देह के ऊपर ही, देह भान के ऊपर ही रहेगा और वो अनेक प्रकार की आवाजों के आवागमन में, माना कि उसके अपने स्वयं के संकल्प और आसपास का वातावरण उसको प्रभावित करता है, वहां की आवाजें, वहां का माहौल उसको प्रभावित करेगा। लेकिन जब हम अपनी अव्यक्त स्थिति बनाकर दूसरे को साइलेंस का अनुभव करवाते हैं और वो आत्मा केवल संपर्क में नहीं लेकिन बाबा के संबंध में ऐसे जुड़ती है कि वो कभी उसका संबंध बाबा से टूट नहीं सकता और वो वर्षे की अधिकारी बनेगी ही, 100% है ये। और ये हमारा भी पर्सनल इस चीज का है, क्यों आज हम इस चीज से क्यों बाबा के साथ इतने वर्षों से बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वो चीज का अव्यक्त स्थिति का प्रभाव पड़ा। एक सेकंड में झाटकू जैसे होते हैं ना, कि वैसा ही हमारे ऊपर वो बाबा का प्रभाव पहले दिन का पड़ा था, लेकिन आज अब सोच भी नहीं सकते बाबा से अलग होना। तो अपना एक अनुभव इसके लिए शेयर कर सकती हो भाई जी, इतना समय है। जी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में करना। हाँ जी, शॉर्ट में ही कि एक बार मैं सामान लेने के लिए एक शॉप पर गई तो एक लेडी मेरी तरफ देखे जा रही थी बार बार। तो मुझे एकदम से जैसे बाबा की तरफ से टचिंग हुई, तो मेरे पास कोई बाबा का था जैसे पैम्पलेट हो गया कुछ, थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इसको ज्ञान समझाना चाहिए। मैंने झट से उसको बाबा का थोड़ा सा हल्का सा परिचय उसको दिया, तो वो जो लेडी है वो मुझे पूछने लगी कि मैं पहले ही सोच रही थी कि आप कुछ ना कुछ जरूर करते हो। तो मैंने फिर बाबा का परिचय उसको बताया, तो वो कहने लगी कि हाँ मैं एक बार गई थी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, कि मुझे वहां का माहौल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा आप जाकर, कहती अब तो मैं जरूर जाऊंगी, जैसे आपने समझाया आपके ऊपर आपकी तरफ देखने से ही मुझे इस चीज का बहुत प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, अब तो मैं जरूर बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ूंगी और मुझे जो चाहिए था मैं जरूर बाबा से वो प्राप्त करूंगी। तो ये चीजें हमारी अव्यक्त स्थिति, हम एक चलते फिरते बाबा के वो ना जैसे बोलते शांति कुंड, तो वो बन जाते हैं और बाबा का हमारे से सर्विस ऑटोमेटिकली होती है जब हमारी अव्यक्त स्थिति है।
ओम शांति। दूसरे को व्यवस्थित अनुभव कराती है आपकी स्थिति, बहुत अच्छा जी, जी। प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर भी। जी आप बोल सकते हो। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि आज का दिवस जो है अपनी स्थिति बनाने का, स्थिति दिखाने का, स्टेज जैसे ट्रांसफर करने का दिवस समझो। आजकल ट्रांसपेरेंट चीजें अच्छी लगती है, जैसे अपने को भी ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफर करो कि आज के दिन का महत्व ये है कि ट्रांसपेरेंट हो जाओ। जैसे जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है, विराजमान है, वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे और आपका आत्मिक स्वरूप उनको अपने आत्मिक स्वरूप को साक्षात्कार करा दे, कि दूसरे को अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, ऐसी स्थिति अपनी बनानी है। इसको ही कहते हैं अव्यक्त आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना और करना जी। आपकी आत्मा सतोगुणी ट्रांसप्लांट उनको दिखाई दे चमकती हुई जी। ओम शांति। सुंदर। और भी सभी के शेयर कर सकते, प्यार बाबा ने क्या कहा आज। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि आज बड़ा अच्छा लगा कि अब के संबंध जुड़ने से भविष्य में भी संबंध में आएंगे, है ना, निकट संबंध में आएंगे। यानी जो अभी हम लोग के इस मीटिंग से या जूम से हम जहाँ जुड़ते हैं, सब हमारे संबंध बनते हैं ना, चाहे है ना, तो वो भी सब हमारे भविष्य में सब हम लोग मिलेंगे जी। बार बन गया हमारा भाई, भविष्य में भी हमारे संबंध बनेंगे ऐसे ही। तो बहुत अच्छा, जैसे आशा दीदी कहती है ना, कई बार जूम धाम बन गया है, तो हम लोग जूम धाम पे हम लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं है, है ना, लेकिन आवाज से अपने विचारों से कैसे बाबा से जोड़ देता है सबसे, तो फिर वही हम लोग निकट राज्य में आएंगे सब कभी ना कभी। ये हमारा आत्मिक प्रेम है दीदी, आत्मिक प्रेम है ना हमारा, तो हमने देखा तो किसी को है नहीं, दूसरे आत्मिक प्रेम है, तभी तो बाबा हमारे संस्कार ऐसे ही तो मिला रहा है, क्योंकि संस्कार मिलने हैं ना मेन तो। हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और भी सभी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि स्नेह द्वारा वरदान प्राप्त करने का दिन है आज, मेहनत नहीं होनी चाहिए, यानी आज पुरुषार्थ से नहीं, स्नेह से वरदान मिलेगा आज का दिन, समर्थी दिवस है ना जी, समिति से समर्थी दिवस है, स्नेह से वरदान पुरुषार्थ से नहीं लेना, मेहनत से नहीं लेना बाबा, क्यों आज के दिन बाबा जो भी इच्छा करते पूरी हो जाती है ना, 18 जनवरी के दिन बाबा का दिवस है ना, मतलब शुद्ध इच्छा जो भी होती है ना वो सब पूरी हो जाती है, सारे मास ही ऐसा अगस्त दिवस का मास मनाया जाता है ना हमारे यहाँ, तो और आत्माएं शेयर कर सकती हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला कि वरदान के दिवस को जितना जो समझ सके उतना वो पा सकते हैं, कैच करने वाले भी कमाल कर देते हैं। आज के वरदान दिवस पर बाबा ने कहा कि जितना जो कोई कैच कर सके उनको उतना ही वरदान प्राप्त हो जाएगा, जैसे पुरुषार्थ करता है एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, आकर्षित ना करे, इस दिन सहज याद का अनुभव किया जाता है। ओम शांति जी। कैचिंग पावर जी, मैं तो शिव बाबा दूसरा ना कोई, बहुत ही अच्छा दीदी जी। ओम शांति। और क्या क्या और भी सभी शेयर कर सकते हैं। अंजू दीदी, सुमित्रा दीदी, भावना दीदी आप बोल सकते हो। सभी बाबा के ज्ञान मुख से सभी निकाले तो मुख मीठा हो जाएगा, ये भी सेवा है, सेवा हो जाएगी आपकी साथ में ज्ञान रत्न निकालने से, किसी को टच हो गया तो बाबा का ज्ञान रत्न, किसी ने धारण कर लिया तो आपकी सेवा हो जाएगी। और क्या क्या प्यारे बाबा ने, वक्त दिवस किसी को अनुभव हो वो भी सुना सकते हैं। 18 जनवरी कोई मिलन में बाबा गए हुए हो मधुबन में, कोई भी आत्मा पहले से गई उसका कोई अनुभव वो सुना सकती है। बाबा ने कहा अपने में दूसरे में संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है, तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं संतुष्टता कहाँ तक आई है अपने में और दूसरों में संबंध में, इसके ऊपर कोई अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। शैली जी आप बताइए। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए जी, बोल सकते हो आप, बोलिए बोलिए। हाँ
भाई जी आज बाबा ने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। आज बाबा ने ना बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया छोटे बच्चे का ना, कि जैसे बच्चे को वही कह रहे हैं ना आप, लोरी तो आवाज में सुनाते हैं लेकिन वो उस आत्मा को आवाज से परे ले जाने का साधन बन जाती है ना। ऐसे ही अगर हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं, जैसे ये शैली दीदी ने बताया, उसके लिए बाबा ने एज एग्जाम्पल बहुत अच्छा बताया ना कि सुनाते हम आवाज में लोरिया, लेकिन बच्चा कहाँ जाता है? आवाज से परे की स्थिति में चला जाता है ना। बोली बोली जी, ब्रेक हो रही है आवाज आपकी ना। हाँ, नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं भाई जी, नेटवर्क प्रॉब्लम कोई बात नहीं, आप बोलते रहो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है, जैसे कि अभी शैली दीदी ने बताया ना, तो उसका ये पॉइंट, मतलब उस ये पॉइंट उस बात के साथ मैच करता है कि ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। एक सेकंड का अनुभव भी अगर हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर किसी को कराते हैं तो वो लंबे समय तक वो अनुभव आत्मा करती रहती है जी, वो आवागमन से भी दूर हो जाते हैं, आवागमन से भी दूर रहते हैं। बहुत अच्छा जी, तो आपका भी स्थिति में रह के कराया तो आपकी बात चली गई, समझ में आ गया पूरा आपका पॉइंट। मौके पर भाई भाई जी ने बात की ना, ये सब बाबा जी कराने वाला। तो आजकल सभी आत्माओं को सुनने के इच्छुक नहीं है लोग, बाबा ने ये भी कहा ना, सुनने के इच्छुक नहीं, अनुभव के हैं। थोड़े समय में बड़ा अनुभव समझ उनको महसूस हो तभी वो बात समझते, वो साइलेंस की शक्ति से ही अपनी स्थिति में स्थित हो कहीं हम उनको दिखा सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। जी बाबा ने कहा सुनने के इच्छुक नहीं है, अनुभव करने के इच्छुक हैं। बहुत ही अच्छा दीदी जी, गैलेक्सी M13 5G आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी बोलिए। ये जो संतुष्टता के बारे में आपने पूछा है, इस पे थोड़ा सा चिंतन जो चला है उसको शेयर कर रहा हूँ भाई जी। जैसे पहले हम भक्ति मार्ग में होते थे तो जैसे मंदिरों में जाते थे या भगवान को याद करते थे तो कुछ ना कुछ इच्छा मांगते थे भगवान से, कुछ ना कुछ इच्छा रहती थी। तो जैसे ही ज्ञान में आते हैं तो स्वयं का परिचय मिलता है, भगवान का परिचय मिलता है, तो सारी इच्छाएं एक तरह से समाप्त होने लगती है और संतुष्टता आने लगती है। जैसे कि फिर ये स्थिति हो जाती है जैसे कि पहले जैसे सबकी इच्छा पूरी करने वाला वो भगवान ही जब मिल गया, उसको जान लिया हमने, तो ये इच्छा हो जाती है कि जो पाना था वो पा लिया, मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है और संतुष्टता हो जाती है, मतलब जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त हो जाता है, मतलब। जी भाई जी, पहले वहां एक इच्छा मांगते दो पहले खड़ी हो जाती थी, यहाँ संतुष्ट हो गया, संतुष्ट प्रसन्नता का आधार है, बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया जी, मतलब विद्या हो गई। हाँ जी, ये तो पता नहीं था ना पहले मुझे छप्पर छाया की क्या चाहती है, अब हम चाहती है, ये चक्कर है। बिल्कुल, और संतुष्ट मणि बनते जाते हैं जी, बाबा ने बना दिया सबको संतुष्ट मणि, सारे ग्रुप की आत्मा संतुष्ट मणि। जी जी, भावना दीदी जी आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई जी। जी जी बोलिए। संतुष्टता के लिए बाबा ने कहा है कि जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और हल्के रहेंगे, और सदा यही रहेगा मन में, ये गीत बजता रहेगा, पाना था सो पा लिया, कोई भी पाने की इच्छा नहीं रहेगी, सर जिससे भी मिलेंगे वो भी हमसे संतुष्ट रहेंगे, उनके चेहरे हमारे चेहरे चलन द्वारा उनको अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा कि इन्होंने कुछ पा लिया है, जो ये हमेशा खुश रहते हैं, इनकी चेहरे से वो खुशी अनुभव होती है, ऐसा उनको अनुभव होने लगता है और वो हमको खुश देखकर खुद भी खुश होने लगते हैं। जी जी जी, बहुत ही सुंदर। रामाराव भाई जी आप बोल सकते हो। हाँ जी भाई, इसी के बारे में बताना चाहिए, ऑलरेडी दो तीन आत्माएं ने बता दिया,
ये संतुष्टता क्या है, पहले हमारे रिलेश में जो हमको हम हमारे पास नजदीक नहीं रहते क्योंकि हमारा बर्ताव ठीक नहीं है, उनको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो लोग भी कि हमारे चलन में चेंज देख के हमारे पास आएंगे, उनके प्रॉब्लम्स खुद बताना चालू करेंगे, थोड़ा फ्रेंडलीनेस वो ज़्यादा फील करेंगे और हमको भी लगेगा कि हमारे जो भी रिलेशन है उसमें हमारा फर्ज हम अच्छी तरह अदा कर रहे हैं, मोह नहीं है लेकिन प्यार से जो हमको करने के वो पहले से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, अपने में भी संतुष्ट आएगा और दूसरों को भी हमारे बर्ताव से उनको भी संतुष्ट बढ़ेगा, उनको लगेगा कि ये थोड़ा इनके पास जाने से हमको खुद मिले कुछ मिलता है, इनको इनके पास जा सकते हैं, ऐसा फीलिंग है। पहले जो डर था वो डर जाके डर निकल के वो प्यार आएगा उनको उनको भी हमारी तरफ। ओम शांति। जी आप नई आत्मा बन गए हो ना अब तो, उनको आपके पास प्राप्त होता है, कुछ आते हैं आपके पास, बहुत अच्छा भाई जी। गुरु वासु जो है वो बोल सकते हैं, गुरु वासु। जैसा बाबा ने कहा था प्रतिज्ञा और में देरी क्यों है, हम तो प्रतिज्ञा तो करते रहते हैं, ऐसा मतलब संकल्प ऐसा करता हूँ अभी शांत रहे, आज पूरा दिन हम शांत रहेंगे ऐसा संकल्प करता है, परंतु फिर भी प्रत्यक्षता में होकर में हम जो रहता था वो ठीक हो जाता है। जी भाई जी, तो उसके लिए भाई जी जैसा हम संकल्प करता है वैसा प्रत्यक्षता में ऐसा होने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करना सकते हैं, क्वेश्चन है भाई जी। ओम शांति। जी भाई जी, ओम शांति। भाई जी आप बोल सकते हो। ओम शांति। जो अभी भाई जी ने पूछा है उसके ऊपर मुझ आत्मा का चिंतन ये है कि एक होती है, आज बाबा ने बोला ना, एक होती है प्रतिज्ञा और दूसरी होती है दृढ़ प्रतिज्ञा, है ना। तो वो दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहते हैं कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए, तो वो हम कर सकते हैं। और दूसरा चिंतन ये है कि हम कोई संकल्प करते हैं तो जैसे संकल्प बीज की तरह है, जैसे किसी को फार्मिंग का या खेती का अनुभव होगा तो बीज बोते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले जो जो उसका फाउंडेशन है ना उसको बहुत अच्छे से बनाते हैं, है ना। तो फाउंडेशन माना क्या है, हमारी धारणा रूपी फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो जल है कौन सा देना है, ज्ञान का गंगा जल। उसके बाद गर्मी चाहिए, कोई भी बीज अगर उसको पनपना है तो उसको योग की गर्मी चाहिए। उसके बाद अगर बीज वो निकल भी आया तो उसके बाद उसको अटेंशन चाहिए, है ना, नहीं तो चिड़िया माया रूपी चिड़िया उसको खा जाएगी, तो उसके लिए हमें अटेंशन देना पड़ेगा। तो फाउंडेशन रूपी धारणा, ज्ञान रूपी गंगा जल और योग रूपी गर्मी, तभी हमारा जो श्रेष्ठ संकल्प है वो पनपेगा। सो अटेंशन की देखरेख भी हमें करना पड़ेगा, तभी वो हमारा संकल्प पूर्ण होगा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ज्ञान की बात ही योग की बात, ज्ञान की बात ही योग की रिजाव दिन रहती, और साथ में व्रत पड़ी धर्म छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत ही अच्छा भाई। एक निश्चय भी बाबा भी पूरा निश्चय भी, मेरा ये संकल्प पूरा होगा ही, ना वाली बात होनी नहीं चाहिए, ना बीच में आना ही नहीं, अटूट निश्चय जो टल नहीं सकता अटल। और कुछ शेयर करना चाहते हैं जी? ओम शांति। मैं क्लास तो मिस कर दिया लेकिन संतुष्टा के ऊपर साकार मौली से बोल रही हूँ कि संतुष्टा में जिसे हम स्वयं से संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करें और बाप से भी संतुष्ट रहे, फिर लौकिक और अलौकिक परिवार से भी संतुष्ट। तो बाबा ने आज सरकार में स्वयं से संतुष्ट और बाप से संतुष्ट और लौकिक और अलौकिक परिवार से संतुष्ट, तीनों के सर्टिफिकेट चाहिए तभी संतुष्ट मणि बन पाओगे। बहुत अच्छा दीदी। पुरुषोत्तम भाई जी ने बताया ना, तो उसमें जो बीज की बात करे थे ना, वो बीज है हमारे संकल्प ना, हमारे जितने श्रेष्ठ संकल्प होंगे ना, यानी कि बीज पावरफुल होगा, संकल्प शक्तिशाली होगा तो वो फल देगा ही देगा ना।
सारा खेल ही संकल्पों से है, क्योंकि संकल्पों से ही सृष्टि बनती है ना। ब्रह्मा ने एक संकल्प किया कि सृष्टि परिवर्तन करनी है, बाबा ने एक संकल्प दिया, तो देखो कितने बच्चे बाबा के तैयार हो गए ना। तो सारा आधार श्रेष्ठ संकल्पों पर ही है, वो बीज संकल्प है हमारे ना। जी दीदी बहुत सुंदर, संकल्प ही सारा बीज है हमारे। अच्छा दीदी आप कन्म्यूट है। और कुछ शेयर करना चाहता है? ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। हाँ जी, अभी जो डिस्कशन चल रही थी संतुष्टता के ऊपर, कि स्वयं किससे भी संतुष्ट और दूसरों के संबंध में भी जो संतुष्टता का चल रहा है, तो जब हम बाबा के बनते हैं ना भाई जी, तो बाबा से इतनी प्राप्तियां हो जाती हैं कि हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती हैं वो सब अपने आप ही समाप्त होनी शुरू हो जाती है। किसी चीज की कोई इच्छा ही नहीं रह जाती, कि जैसे बाबा जिस स्लोगन भी है ना कि पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। अब मेन तो हमें जो चाहना थी सुख की, ओरिजिनली तो आत्मा की जो चाहना होती है ना सुख और शांति की होती है, और उसका आधार है प्योरिटी। और जितनी बाबा के ज्ञान से, योग के हमारे योग से हमारे अंदर जो है मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की पवित्रता आती जाती है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली अंदर आत्मा जो है सुकून पाती है, सुख पाती है। तो यही सुख और शांति के चाहना के लिए तो आज तक हम भटकते रहे हैं, लेकिन वो चीज ना मिल ही नहीं पाई है। लेकिन जब बाबा के बने तो हर चीज जब हमें मिल चुकी है तो हम तो हर बात से इसलिए संतुष्ट हो जाते हैं, अब किसी से भी कुछ इच्छा ही नहीं रह पाती है। तो यही हमारा जो है सबसे बड़ा जो बाबा का मिलना और बाबा का जो गुण है हमारी आत्मा के ओरिजिनल गुण जो है वो जो कोर वैल्यूज है वो अपने आप ही मर्ज होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से कि संतुष्टता तो है ही है, और हमारे से दूसरे भी संतुष्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी वाइब्स हमारे अंदर की जो निस्वार्थ भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, उनको हमसे जो मिल पाती, अपनापन मिलता है। क्योंकि दुनिया में चाहे दुनिया वाले कितने भी अपने हैं, लेकिन उनसे वो स्वार्थ की भावना रहती है। हम बच्चों से उनको निस्वार्थ जब वो भावना स्नेह मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो फिर बाबा के, क्यों वो भी चाहते हैं कि ये कैसे ऐसे बने दुनिया से हम, जैसे आज मुरली में भी बाबा ने व्यक्त बताया ना कि दुनिया से हम न्यारे हो जाते हैं। वो लोग खुद बोलते हैं कि आप कैसे अलग हैं, वो दुनिया वाले तो ऐसे, आप कैसे ऐसे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, खुद आकर हमसे बातें करते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से बाबा का बनने से हम बिल्कुल ही न्यारे और प्यारे अपने आप ही ऑटोमेटिकली होता है, ये प्रोसेस अपने आप चलता है। ओम शांति। जी जी जी, जैसे अवस्था आवश्यकता आविष्कार की जननी, पुत्रता सुख शांति की जननी है, सभी सुख शांति के लिए भटक रहे हैं, वो मिल जाती है तो संतुष्ट आ जाती है। हमें तो बाबा मिल गया सब कुछ। बहुत ही अच्छा जी जी। आज की अव्यक्त मुरली जो अपनी है उसमें एक बहुत सुंदर स्लोगन था कि ऐसा हो या वैसा मुझे बनना है बाप जैसा। ये स्लोगन हमें बहुत अच्छा लगा ना। ओम शांति। अभी सभी मेन रूम में आ रहे हैं तो स्क्रीन पर जो पोल दिखेगा उसको हमें लॉक करना है। बाद में शुरू भाई जी होमवर्क और 2 मिनट योग कराएंगे। ओम शांति।
ओम शांति जी। शेरू भाई जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओम शांति। शेरू भाई जी आप सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही भाई जी। जी होमवर्क पर योग कराइए। हाँ जी होमवर्क बोल रहा था भाई जी, आवाज नहीं आ रही थी तभी पूछ रहा हूँ। आज का होमवर्क जब म्यूट पर थे अभी आप आवाज आ रहा है। ठीक है भाई जी, थैंक यू जी। आज का होमवर्क रहेगा जैसे कि बाबा ने कहा, आज जैसे ही अवस्थिति का महत्व बाबा ने बताया, अभी सारे दिन अवस्थिति में रहोगे तो दूसरों को भी करा पाओगे और कंबाइंड होकर सेवा करेंगे बाबा के साथ। तो सब सारा दिन हम कल कंबाइंड होकर बाबा के साथ सेवा करेंगे और बाबा से जो वरदान लेना है वो हमने कैसे लेना है, वो साथ से नहीं लेना, स्नेह से लेना। बाबा ने कहा कल स्नेह से वरदान लेंगे। और जो चार बातें बाबा ने बताई वो चेक करें कल अपने में। एक तो अपने सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी आई है, नंबर दो संपूर्णता में वह सर्व में संबंध में समीपता कहाँ तक आई है, नंबर तीन जो बाबा ने बताया अपने में वह दूसरों में संबंध में समीपता कहाँ तक आई है, नंबर चार जो बाबा ने अपने में बताया सूरवीरता कहाँ तक आई है, ये चार बातें भी चेक करेंगे। ये हो गया हमारा होमवर्क। अभी हम अवस्थिति का अनुभव करेंगे, थोड़े दो मिनट का योग करेंगे, जहां जहां भी जाएंगे साइलेंट में अवस्थिति का अनुभव करेंगे, वहां से परे जाएंगे। एक सेकंड में शांति वन में तपस्या धाम में। शांति वन में बाबा के कमरे में पांडव भवन में बाबा के कमरे में बाबा की कुटिया में शांति स्तंभ हिस्ट्री हॉल में सूक्ष्म वतन में परम धाम में बीज उपस्थिति में
सुख से उठना फिर भी वो तुम्हें बाबा की गोद में आके सो जाएंगे। ओम शांति, गुड नाइट।